Hello everyone, today I'm here to present you the installation process of Tally Prime, the fantastic product. So now here we will have a look by step process of installation, backup and restore. So here is the Rajlakshmi Solutions family. So now we will have a look for the process. तो सबसे पहले हमें डाउनलोड प्रोसेस करना है, तो हमें सब जाना है टैली सॉल्यूशंस के वेबसाइट पे। जैसे ही मैंने टैली सॉल्यूशंस के वेबसाइट पे गई, यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन व्यू होगा डाउनलोड। सो जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, हमें जो सेटअप है वो डाउनलोड करना है। सो नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही वो सेटअप डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे सेटअप प्राइम डॉट exe शो कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जैसे ही मैंने डबल क्लिक करके वहाँ पे क्लिक किया, तो हमें ऑप्शन व्यू होगा सिलेक्ट एप्लीकेशन टू मैनेज, मीन्स हमें ये सेटअप जो है कौन से फोल्डर में या कौन से ड्राइव में क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस है। अभी हमने क्लिक किया इंस्टॉल न्यू पे। जैसे ही हमने इंस्टॉल न्यू पे क्लिक किया, हमें इंस्टॉल एप्लीकेशन करके व्यू होगा। हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सा रिलीज है और कौन से एप्लीकेशन पाथ में वो इन कॉन्फिगर होना है। अगर मुझे सेव एप्लीकेशन पाथ में इंस्टॉल करना है, तो हम डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर मुझे लोकेशन चेंज करना है तो हम जा सकते हैं कॉन्फिगर पे। यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन, मैंने क्या किया है, जो ऑलरेडी मेरा सेटअप जो था सी ड्राइव में, अब मुझे क्या करना है डी ड्राइव में उसको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज करके एप्लीकेशन पाथ चेंज कर दिया। जैसे मैंने एप्लीकेशन पाथ चेंज किया, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट विंडो शो करेगी इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो हमें क्लिक करना है इंस्टॉल ऑप्शन पे। तो जैसे मैंने इंस्टॉल प्रोसेस पे क्लिक किया, आप रेडी टू यूज हो गए फॉर स्टार्ट द टैली प्राइम। सो दिस इज द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हमने जैसे इंस्टॉल किया, आप डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम का एक मेन्यू आपको दिख रहा है। ओके, सो हम स्टार्ट करने से पहले अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो डेटा का बैकअप लेना है। मैंने इंस्टॉल तो कर लिया, पर जो मेरा टैली ERP 9 का डेटा है, हमें वो बैकअप ले कहीं पे स्टोर करना है। तो हम देखेंगे बैकअप प्रोसेस। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो, फर्स्ट है आपकी कंपनी इन्फो, हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में हम जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या सिलेक्ट करना है, पाथ सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे पाथ सिलेक्ट किया। फिर हम ब्राउजर पे डालेंगे, यहाँ पे URL पेस्ट करेंगे कि कौन से लोकेशन में वो डेटा आपका स्टोरेज है। तो जैसे ही मैंने माय कंप्यूटर में वो पर्टिकुलर लोकेशन ओपन किया, यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, जो फोल्डर है मीन्स जो टैली डेटा है, वो हमें क्या करना है, फोल्डर को कॉपी करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक कोई डेटा बैकअप करके एक फोल्डर क्रिएट करें। जैसे आप देख सकते हो मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ था, और वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो पेस्ट किया हुआ है। सो दैट इज जो भी हमने टैली ERP 9 में प्रोसेस की थी, उसका बैकअप हमने फॉर द सेफ्टी पर्पस लिया हुआ है। सो अब इसे हम रिस्टोर कैसे करेंगे, तो जैसे ही मैंने पहले बताया कि हमने जो बैकअप लिया था, उसके लिए जो मैंने सी ड्राइव के लोकेशन पे पर्टिकुलर पाथ जो कॉपी किया था, अभी वही पाथ हम क्या करेंगे, जो हमने टैली प्राइम का डेटा फोल्डर अपलोड किया था, जो इंस्टॉलेशन किया था, वहाँ पे ये डेटा जाके पेस्ट करेंगे। दैट इज़ क्या होगा, जो प्राइम में हमने वो डेटा अटैच किया हुआ है, जिससे हम क्या करेंगे, जैसे हम टैली ओपन करेंगे, ईजीली वी कैन एक्सेस द प्रोसेस। सो हियर इज द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, देन हाउ टू टेक द बैकअप एंड हाउ टू रिस्टोर द टैली डेटा इन लेटेस्ट टैली प्राइम। सो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, एंड इवन यू कैन कॉन्टैक्ट माई सपोर्ट टीम। सो वो भी नंबर आपको अवेलेबल है। अगर आपको ईमेल करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन किया हुआ है, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आप वहाँ से व्यू कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड एंजॉय द लेटेस्ट टैली प्राइम प्रोडक्ट। थैंक यू।